फाइन, सो दिस इज कैपेसिटेंस मॉड्यूल 08। इसमें भी अपन वही पढ़ेंगे, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं हम अभी भी, है ना। सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सर डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। ये अपन बात कर चुके हैं कि ये एक कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है सर, ये एक दूसरी कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है सर, और बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है सर? के। अब बेसिकली जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो डाइपोल्स का बना होता है। किसका बना होता है सर? डाइपोल्स का बना होता है। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन नहीं है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक ही होते हैं, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्विच ऑन नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का डाइपोल्स का सेंटर क्या होता है सर? सेम होता है, और जो डाइपोल्स है वो डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता, ठीक है। जो ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करूँगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सर? शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो डाइपोल्स थे उन्होंने अपनी शक्ल ले ली है। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया लाइक दिस। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, सेम दो प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी स्विच ऑन नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड अब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, देखिए मैं करने वाला हूँ, ठीक है सर। इसको मैंने प्लस सिग्मा चार्ज दिया इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ करने के लिए, और इसको मैंने माइनस सिग्मा चार्ज दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, देखिए दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो वो डाइलेक्ट्रिक से भी पास करेगी, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है सर? के। इसका भी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है सर? के। अब इसमें जो आपके डाइपोल्स थे यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसमें जो पॉजिटिव है वो तो इधर चला गया और नेगेटिव इधर चला गया, जो नेगेटिव है वो इधर आ गया, पॉजिटिव इधर चला गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला गया और जो नेगेटिव है वो इधर चला गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव, एंड सो ऑन बनाते जाइए। अब जरा ध्यान से देखिए कि ये डिस्टेंस बहुत कम है तो ये लगभग कैंसिल हो जाते हैं, तो इस एंड पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे लाइक दिस। ये आपकी क्या है सर? प्लेट। ये भी आपका क्या है सर? प्लेट। यहाँ प्लस सिग्मा चार्ज, यहाँ माइनस सिग्मा चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, दिस वन। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है, ठीक है सर। ये इंड्यूस चार्ज है, माइनस सिग्मा इंड्यूस, और ये क्या है सर? इंड्यूस चार्ज है, प्लस सिग्मा इंड्यूस। अच्छा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये था सर, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं क्या बोल दूँ? ई नॉट बोल दूँ, दिस इज ई नॉट। ये अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसको बोलते हैं ई इंड्यूस्ड। क्या बोलते हैं? ई इंड्यूस्ड। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा सर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक,
छोड़ो, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक ये हो जाएगा ई नेट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि डायलैक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो ई नॉट बाई के होता है। ई नॉट क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर का बाई के होता है। बाई के क्या है सर? डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। ये भी सही है। ई इंड्यूस कितना हो जाएगा सर आपके पास? ई इंड्यूस्ड आपके पास आ जाएगा ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के। ई नॉट आपने कॉमन ले लिया, वन माइनस वन बाई के, दैट इज ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस कितना होगा दो प्लेट्स के कारण, है ना? ये एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, तो ई नॉट कितना होगा? एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट वन माइनस वन बाई के। ये कितना हो जाएगा? सिग्मा इंड्यूस्ड ए एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, ये कट गया। तो आप देखिए इंड्यूस्ड चार्ज के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ रही है? सिग्मा इंड्यूस वन माइनस वन बाई के। और यही हमने पिछले क्वेश्चंस में यूज़ कर लिया था डायरेक्ट, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको चार्ज की फॉर्म में चाहिए तो क्यू इंड्यूस बाय एरिया, ये भी क्या हो जाएगा? क्यू बाय एरिया। तो क्यू इंड्यूस की वैल्यू भी इतनी ही आती है, क्यू वन माइनस वन बाई के, जहाँ पे के क्या है सर? डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। लाल डिब्बे में बंद कीजिए इसको और आपको इसको लर्न करना है, इसको भी और इसको भी, इसको भी और इसको भी, ठीक है सर? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था। दो प्लेट्स के बीच में आपने एक डायलैक्ट्रिक रख दिया था, तो डायलैक्ट्रिक के अंदर जो डायपोल्स थे वो क्या हो जाएंगे सर? उनके जो सेंटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे सर? सेपरेट हो जाएंगे और अंदर खुद का एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ई इंड्यूस बोल दें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितना होता है? ई नॉट बाई के, ठीक है सर? ई नॉट बाई के। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया अपन ने और अपन ने क्या निकाल लिया? ई नॉट बाई के इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। ई इंड्यूस कितना हो गया? ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के, ठीक है? ई नॉट कॉमन ले लिया, ई नॉट क्या ले लिया सर अपन ने? कॉमन ले लिया, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। फाइनली अपने पास क्या आ गया सर? रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक। कोई भी डायलैक्ट्रिक जब इंसर्ट करते हैं तो दो तरीकों से इंसर्ट कर सकते हैं, एक तो जब बैटरी कनेक्टेड हो और जब एक जब बैटरी कनेक्टेड नहीं हो। इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक, इंसर्शन ऑफ डायलैक्ट्रिक, ठीक है? केस फर्स्ट, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, इसका मतलब समझे? जब बैटरी कनेक्टेड है तो मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगर डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट करने से अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो बैटरी इंक्रीज कर देगी, और डायलैक्ट्रिक को इंसर्ट करने से अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो बैटरी अगेन क्या कर देगी सर? मैनेज कर देगी, ठीक है सर? तो ये कैपेसिटर है सर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस अभी हमने क्या लगा दिया सर? बैटरी लगा दी है, ये स्विच है, ठीक है सर? अभी मैंने डायलैक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करा है। ये पोटेंशियल V है, इसका कैपेसिटेंस मैंने क्या बोल दिया है सर? सी नॉट, अभी कुछ भी नहीं है। तो कैपेसिटेंस कितना है सर इसका? सी नॉट। चार्ज कितना है इसके ऊपर? Q। पोटेंशियल कितना है इसका? V। एनर्जी कितनी है स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स? U है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सर? E। बैटरी कनेक्टेड है, अब मैंने इसमें डायलैक्ट्रिक डाल दिया, दिस इज डायलैक्ट्रिक, ये डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, बैटरी कनेक्टेड है आपकी, केवल एक चीज है जो कॉन्स्टेंट रहेगी और वो क्या है सर? V। डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद
सी नॉट, सी क्या होता है, एप्सल नॉट ए बाई डी, तो सी नॉट भी क्या होगा, एप्सल नॉट ए बाई डी, तो एप्सल नॉट क्या हो जाएगा, के एप्सल नॉट, तो ये क्या हो जाएगा सर, के सी नॉट, मतलब कैपेसिटेंस जो है वो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है सर, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है क्यू इक्वल्स टू सी वी, क्यू इक्वल्स टू वॉट सी वी, वी कॉन्स्टेंट है पर ये क्या हो गया है सर, के टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो Q भी क्या हो जाएगा सर, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, है ना। देखिए सिंपली यही था, जब आपने कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक नहीं डाला तब ये था, जो ही कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक डाला अब जो C है वो के सी हो गया सर इंटू वी, तो ये क्या हो गया K टाइम्स Q, सी वी क्या है Q, तो के क्यू हो गया, पोटेंशियल तो पोटेंशियल ही है। U क्या होता है, U होता है हाफ क्यू वी, पोटेंशियल सेम है, क्यू के टाइम्स इंक्रीज हो गया तो यू भी क्या होगा सर, के टाइम्स इंक्रीज होगा, यू भी क्या होगा सर, के टाइम्स इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, वी बाई डी, वी सेम है डी सेम है, डी थोड़ी चेंज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगा। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है थ्योरिटिकल, सी नॉट के सी नॉट हो गया, Q K Q हो गया, V V हो गया, U K U हो गया, E E ही रहा, E E ही रहा। ये कब है, जब आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। अब मैं क्या करता हूँ कि बैटरी हटा देता हूँ, जब भी बैटरी हटा देता हूँ कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद, तो अब एक चीज़ तो श्योर हो गई, चार्ज हमेशा क्या रहता है सर, कंजर्व। ये केस वन था। केस टू, When battery is disconnected, ठीक है, चार्ज कंजर्व रहेगा। ये देखिए अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना है माइनस क्यू। अच्छा सी सी रहेगा, की क्यू वी वी यू, और ये क्या है सर आपका ई। आराम से देखिए, अब ये मैंने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, के सी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, के टाइम्स सी। क्यू कांस्टेंट रहेगा, वी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई सी, वी तो कांस्टेंट ही है, सी क्या हो जाएगा, के सी, तो Q अपॉन के सी, क्यू बाई सी, इसको वी डैश बोल दूँ, तो ये क्या हो गया V बाई के, तो ये क्या हो गया V बाई के। U क्या होता है सर, हाफ क्यू वी, हाफ Q तो कांस्टेंट है, V क्या हो गया V बाई के, अगर ये U डैश है तो ये क्या हो जाएगा U बाई के, ये क्या हो गया U बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, V बाई डी, डी तो कांस्टेंट ही है, जो V है वो V बाई के हो गई, V बाई के बाई डी, तो ये जो E डैश है वो क्या हो गया सर, E बाई के। अब एक चीज़ देखिए, दोनों के ही जो रिजल्ट हैं वो डिफरेंट हैं, जब बैटरी कनेक्टेड है और जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है, दोनों के ही जो रिजल्ट है वो डिफरेंट है, देर आर डिफरेंट रिजल्ट्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जेई मेन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और इनफैक्ट नीट के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आपको ध्यान रखना है कि बैटरी कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, ये आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन क्या कराएंगे सर, गलत कराएंगे। ठीक है, रटा मारने की आवश्यकता नहीं है, क्या क्या रटा मारेंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम ले रहे हैं फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक पे लगने वाला फोर्स। ठीक है सर, इसमें भी दो केसेस हैं, पहला केस है जब बैटरी कनेक्टेड है और दूसरा केस है जब बैटरी डिसकनेक्टेड है। केस वन, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड,
बैटरी क्या है सर आपकी कनेक्टेड है, जो ही बैटरी कनेक्टेड लिखा है इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा सर आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये देखिए ये आपका कैपेसिटर है, ये देखिए ये आपका क्या है सर कैपेसिटर है, ठीक है सर। और यूँ आपने एक बैटरी जोड़ दी है, ठीक है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है सर, डी है। ये जो लेंथ है वो एल है, ये जो लेंथ है वो क्या है सर एल है। पीछे बी होता है आपको पता ना, पीछे क्या रखते हैं सर अपन बी, मतलब कोई चाहे कि भैया एरिया कितना है तो आप क्या कहोगे कि भैया एरिया तो एल इंटू बी है, ठीक है। इसमें मैं ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं ये डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है सर। ये डायरेक्टिक इसकी डायमेंशन भी वही है जो कि प्लेट्स की है, इसकी डायमेंशन भी वही है जो कि प्लेट्स की है। मान लिया मैंने कि एक्स इंसर्ट हो गया, मान लिया मैंने कि एक्स इंसर्ट हो गया, तो कितने में इंसर्ट नहीं हुआ है एल माइनस एक्स। तो आप ये देख सकते हैं कि ये दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर तो ये है और एक कैपेसिटर ये है जिसमें कि डायलैक्ट्रिक नहीं है, जिसमें कि डायलैक्ट्रिक नहीं है, ठीक है सर बराबर, ठीक है सर बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चार्ज क्या आएंगे सर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये क्या है सर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे क्या इंड्यूस होता है, आई डोंट नो क्या इंड्यूस होता है। लोग कहते हैं कि यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होता है, यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होता है, पर वो गलत है, वो बात की बात है, कभी देखेंगे। तो हमने कहा कि एफ फोर्स अंदर लगा, एफ फोर्स क्या लगा सर अंदर लगा, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। इसको बैलेंस करने के लिए हम बाहर की तरफ क्या लगाते हैं सर, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। जब भी डाइलेक्ट्रिक को हमें इंसर्ट कराना होता है तो दो जने वर्क करते हैं, एक तो बैटरी वर्क करती है और एक क्या वर्क करता है सर, एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है। एक क्या करता है सर, एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो यूँ हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो वर्क नहीं कर सकती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो वर्क नहीं कर सकती। ये डिस्प्लेसमेंट के क्या है सर, परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। एज इफेक्ट की बात अलग है, हम उसको कंसिडर नहीं करते एज इफेक्ट। जो जो बड़े होंगे तब देखेंगे कि हम एज इफेक्ट कंसिडर क्यों नहीं करते। तो जब भी हमें इस डायलेक्ट्रिक को अंदर घुसेड़ना है तो दो बंदे वर्क करते हैं, एक बंदा वर्क करता है आपका बैटरी और एक बंदा वर्क करता है आपका सर क्या क्या बोलते हैं सर उसको, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है सर। अच्छा, ये जो फोर्स होता है ये कांस्टेंट होता है इन नेचर, फोर्स विल बी कांस्टेंट इन नेचर। देखेंगे क्यों, देखेंगे क्यों, ठीक है सर। अब जो भी वर्क डन होता है वो दो टाइप में होगा, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जीरो लेंगे अपन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे सर, जीरो, क्योंकि रेस्ट से शुरू होता है डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करना और रेस्ट पे ही ख़त्म हो जाता है, रेस्ट पे ही क्या हो जाता है सर ख़त्म होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो, केवल क्या बचा सर डेल्टा यू। इस डेल्टा यू में दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा वर्क डन बाय बैटरी और एक होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट सर डेल्टा यू, ठीक है। अब वर्क डन बाय बैटरी निकालते हैं अपन, वर्क डन बाय बैटरी याद है क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी ये होता है क्यू सी, है ना। ये क्या होता है सर क्यू सी, क्यू सी क्यू वर्क डन, एक मिनट, क्यू वी, क्यू वी। अब छोटा सा वर्क डन करना है तो डी क्यू इंटू वी की जगह क्या है ई ले लूँ, ई एम एफ मैंने ई ले लिया, डी क्यू इंटू ई, ठीक है सर। डी क्यू क्या कर लूँ, डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू सी वी, तो डी सी इंटू ई अगेन ई, तो ये क्या हो गया डी सी इंटू ई स्क्वायर, तो ये हो गया डी सी इंटू ई स्क्वायर, ठीक है सर। माइनस एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स,
इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। डी यू कितना होगा? डी यू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन छोटा सा डी सी ले लूँ तो इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ डी सी इंटू ई स्क्वायर, हाफ डी सी इंटू ई स्क्वायर। थोड़ा सा मैनेज कर लें इसको, तो हाफ डी सी इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स, एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। अब जरा देखें, आराम से देखें, एफ एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा? ये हो जाएगा हाफ डी सी बाई डी एक्स इंटू ई स्क्वायर, है ना। अब जरा यहाँ देखें, पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में एक कैपेसिटर तो ये था और एक कैपेसिटर ये था, दोनों किस में थे? पैरेलल में। दोनों किस में था? थे सर पैरेलल में। तो ये तुम्हारा आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी एल माइनस एक्स बाई डी, जिसमें वो डायलैक्ट्रिक नहीं है। इसमें डायलैक्ट्रिक है के एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू बी बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी कॉमन आ गया तुम्हारे पास, ये क्या हो गया एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, ये सी इक्वलेंट है। हाफ इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या जाएगा सर एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, एल का डिफ्रेंशिएशन जीरो, माइनस एक्स का वन, के एक्स का के, इंटू ई स्क्वायर। तो जो फोर्स आया है आपके पास एफ एक्सटर्नल, वो आया है ई स्क्वायर बाई टू डी सी बाई डी एक्स। ये तुम्हारे पास हो गया है ई स्क्वायर बाई टू, दैट इज बी एप्सिलॉन नॉट डी के माइनस वन। इतना फोर्स डायलैक्ट्रिक पे लगाना पड़ेगा था अगर उसको इंसर्ट कराना है तो, ठीक है सर। ठीक है सर, ये होता है जब भी डायलैक्ट्रिक कम्प्लीटली कैपेसिटर के अंदर होता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होता है सर? जीरो। ये चीज़ ध्यान रखना, व्हेन डायलैक्ट्रिक इज कम्प्लीटली इनसाइड कैपेसिटर, इनसाइड कैपेसिटर फोर्स एक्टिंग ऑन डायलैक्ट्रिक इज जीरो, है ना। ज़रा टेंशन नहीं करना, बड़ा आसान है। वर्क डन क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ले नहीं सकते, रेस्ट पे शुरू करता है, रेस्ट पे खत्म करता है, चेंज कितना? जीरो। वर्क डन बाय, वर्क कितना होता है? वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल अगेंस्ट एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा यू। वर्क डन बाय बैटरी डी सी ई स्क्वायर होगा, ये कितना होगा? एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। अच्छा, ये क्यों करा? माइनस क्यों करा? क्योंकि फोर्स तो इधर लगेगा, या फोर्स तो इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होएगा। और ये क्या हो जाएगा? हाफ डी सी स्क्वायर, हाफ डी सी स्क्वायर सॉल्व कर लिया, डी सी बाई डी एक्स निकाल लिया और सी निकाल के इसका और डिफ्रेंशिएट कर दिया, आंसर आ गया। इस आंसर को आपको याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू मेमोराइज इट। क्या करना पड़ेगा सर? याद रखना पड़ेगा, तीन स्टार लगा दीजिए, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है सर, ये तो केस वन था। नाउ वील मूव द केस टू, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड। केस टू, व्हेन बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ठीक है सर, जब बैटरी क्या होगी सर? आपकी डिसकनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है, और ये आप इतना डायलैक्ट्रिक अंदर घुसेड़ चुके हैं, कितना x, कितना बाहर है सर l माइनस एक्स, कितना बाहर है सर l माइनस एक्स। तो कितना वर्क होगा? वो होगा आपका डेल्टा u। कौन वर्क करेगा? है ना, बैटरी तो है ही नहीं। वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? जीरो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। एफ एक्सटर्नल इधर लगेगा
और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, तो माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स और डेल्टा यू आपके पास आएगा, डी यू ही रहने दो, है ना, डी यू ही रहने दो। तो एफ एक्सटर्नल आपके पास क्या आया सर, माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ठीक है सर, डी यू बाई डी एक्स। अच्छा, चार्ज दे रखा है तो यू को अपन क्या लिख सकते हैं, सॉरी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो माइनस डी बाई डी एक्स क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इक्वलेंट, ये क्या होगा सर, एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल। सो एफ एक्सटर्नल जो फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है वो आ रहा है आपका एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एक्स क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी इक्वलेंट। फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम यूज़ करते हैं इसको। ये होता है आपका एल माइनस एक्स बी एप्सल नॉट डी प्लस के बी एक्स एप्सल नॉट बाई डी, ये आपका सी इक्वलेंट है, ये एफ एक्सटर्नल है। अगर आपको ज़्यादा ही जोर आ रहा है तो यहाँ सी इक्वलेंट रख के डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा लाइक दिस, एफ एक्सटर्नल माइनस डी बाई डी एक्स, ये कितना हो गया आपका क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बी बाई टी, ये हो जाएगा एल माइनस एक्स प्लस के एक्स, है ना, और जो भी रिजल्ट आया वो आंसर है, मैं नहीं डिफ्रेंशिएट कर रहा, मैं नहीं डिफ्रेंशिएट कर रहा, है ना। जो बुक्स में दे रखा है डायरेक्ट करने वाला वो शॉर्ट है लेकिन वो गलत है, वो शॉर्ट है लेकिन वो क्या है सर, गलत है। आप कहें तो मैं कर देता हूँ ऑल्टरनेट। पहला केस, बैटरी कनेक्टेड है, उस टाइम पे वो क्या करते हैं, आपको ध्यान हो तो वो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिव आता है और यहाँ पे भी क्या आता है सर, पॉजिटिव आता है, तो एक फोर्स यूँ लग जाता है, एक फोर्स यूँ लग जाता है और नेट फोर्स बीच में आता है, इज़ कम्प्लीटली नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का, वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है सर, परपेंडिकुलर है, वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है सर, परपेंडिकुलर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क ही नहीं कर सकता। वर्क कौन कर रहा है, एक तो बैटरी कर रही है और एक क्या कर रहा है सर आपका, एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, तो ठीक है जैसा भी है, अपने को रिसर्च नहीं करनी इसके ऊपर, है ना, लेकिन वो आसान है। सी इक्वलेंट आ जाएगा आपके पास, मैं बार बार लिख रहा हूँ सी इक्वलेंट, ये आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, यहाँ के कॉमन, सॉरी एक्स कॉमन आ गया, तो के माइनस वन प्लस एल, ये सी आ गया। एनर्जी निकाल लीजिए किससे सर, हाफ सी इक्वलेंट वी स्क्वायर से, है ना। फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो ये तुम्हारा हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी एक्स के माइनस वन प्लस एल इंटू व्हाट, वी स्क्वायर। अब सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी डी, ये कितना आ जाएगा, के माइनस वन इंटू वी स्क्वायर, नेगेटिव का मतलब जो फोर्स है वो कैसा है सर, अट्रैक्टिव है। तो सेम ही फॉर्मूला है लेकिन दो लाइन में आ गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ ये जो डेरिवेशन है वो गलत है, है ना। वैसे ही जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तब कर लेंगे, तब यू निकाल के डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तब भी यू निकाल के डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये केस वन था, ये केस वन था, और ये क्या है सर, केस टू, बैटरी डिस्कनेक्टेड, ठीक है सर, ये बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। अगेन आपको निकालना क्या है सर, है ना, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, तो सी इक्वलेंट तो उतना ही आएगा, यू क्या हो जाएगा तुम्हारा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कंजर्व रहता है, बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज कंजर्व रहता है, दैट इज सी इक्वलेंट क्यू स्क्वायर अपॉन टू
टू एप्सल नॉट बी बाई डी एक्स के माइनस वन प्लस एल। आपको फोर्स चाहिए दैट इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा, ठीक है सर। दैट इज फोर्स ऑन डायलैक्ट्रिक।